Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो हम बहुत ही अच्छे होंगे. guys, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. और हमारी चल रही है यहाँ पे ब्लॉगिंग सीरीज. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि ब्लॉग स्पॉट के जरिए आप अगर ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो ब्लॉगिंग के जरिए हम किस तरह से ब्लॉग स्पॉट के जरिए अपना पूरा ब्लॉगिंग को सेटअप कर सकते हैं, ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं. तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं से देखते हैं कि किस तरह से ब्लॉगस्पॉट के ऊपर हम ब्लॉग्स को जो है सेटअप करते हैं, वहां पर कौन कौन से टूल्स हैं, और फिर इनिशियली जो है धीरे धीरे हम सारे एडवांस लेवल तक इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे. पहले फ्री का कंप्लीट करेंगे फिर पेड की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे. सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर जो है हमें चेक करना है कि किस तरह से हम जो है blogger.com के ऊपर जो है किस तरह से अपना फ्री का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसको लिए आपको यहां पे blogspot लिख सकते हैं या डायरेक्टली blogger.com लिख सकते हैं, जैसा भी. तो ये आपका एक गूगल का प्रोडक्ट है blogger.com, अ यूनिक प्लेटफॉर्म और ब्यूटीफुल ब्लॉग क्रिएशन, इट्स इजी. तो आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नहीं ओपन होगा क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी है. तो मैं यहाँ पे अपना आईडी चेंज करता हूं और आपको किस तरह का दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाता हूं. तो यहां पे जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है पूरा लेआउट देखने को मिलेगा. यहां पर आपका पूछेगा कि डिस्प्ले ब्लॉगर प्रोफाइल आपकी किस तरह की होनी चाहिए. तो यहां पर आपको करना क्या है, तो यहां पर आप जो भी आपका नाम रखना चाहते हैं वो आप यहां पे रख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं मंजीत और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख देता हूं. तो ये मैंने लिख दिया यहां पर और ये मेरा डिस्प्ले नेम है. और कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक करना है आपको. जैसे ही आप यहां पे कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक करेंगे बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी. आपकी प्रोफाइल जो है वो यहां पर क्रिएट हो चुकी है. अब इसके बाद आपको ये आपकी प्रोफाइल है, यहां से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं है. अब आपको यहां पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करना है. जैसे ही आप यहां पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहां पे पूछेगा आपका टाइटल क्या है. अब आपको वो टाइटल डालना है जो आप ब्लॉगर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट. तो से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं मंजीत. अभी एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, मुझे इसको लाइव तो करना नहीं है. तो मैं यहां पे मंजीत लिख देता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं. अब यहां पे मेरे को पूछ रहा है कि यूआरएल क्या चाहिए है. तो URL जो है मैं यहां पे एक बार मंजीत लिख के जो है यहां पे क्लिक करता हूं. तो यहां पे लिख के आ रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल. ये ब्लॉग स्पॉट जो है ये आपका एड्रेस अवेलेबल नहीं है. तो मैं यहां पे कर देता हूं से फॉर एग्जांपल मंजीत डिजिटल और एक बार अभी चेक करते हैं. तो ये आपका जो है अवेलेबल है, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल यहां पे लिख के आया बिल्कुल लाइट कलर के अंदर. तो यानी कि हमारा जो मंजीत डिजिटल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जो है ये हमारा एक यूआरएल बनेगा. तो मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूं. जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट बन के आएगा. ये है हमारा ब्लॉगर का पहला स्क्रीन जिसके अंदर कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी. इस तरफ में आपका जो है पोस्ट वगैरह आएंगे. सबसे पहले आपका पोस्ट, जितने भी हम अपने ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉगिंग के अंदर जितने भी पोस्ट डालेंगे वो हम यहां से क्रिएट करेंगे. फिर आपकी स्टेट्स आती हैं. स्टेट में जो है यहां पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने पोस्ट किए, कितने कमेंट्स आए हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई देंगी. फिर आपको यहां पे कमेंट्स जो भी आपके पास आए होंगे वो कमेंट्स यहां पे दिखाई देंगे. फिर आपकी जो अर्निंग्स है, ऐसा नहीं कि हम फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अर्निंग नहीं कर सकते. डेफिनेटली हम अर्निंग कर सकते हैं. ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा तो आप इसको बंद कर दें क्योंकि हमें जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना. अभी हम पेड पे नहीं जा रहे हैं. तो यहां पे देख सकते हैं जैसे ही आप यहां पे काम करेंगे तो आपका गूगल एडसेंस के साथ में भी बहुत आसानी से जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा. आपको बहुत जल्दी जो है अप्रूवल मिल जाएगा क्योंकि ये भी आपका प्लेटफॉर्म जो है वो गूगल का है और गूगल को अपने प्रोडक्ट के ऊपर में डेफिनेटली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो 100% गारंटी होगी. तो यहां पर जो है आपको गूगल के एडसेंस का अप्रूवल भी जल्दी मिल सकता है. फिर आप जो पेजेस क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे पेजेस वगैरह सेट कर सकते हैं. अपने अभी कोई पेजेस यहाँ पे नहीं है. फिर यहां से हम लेआउट्स सेलेक्ट करेंगे. बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे तरह के अलग अलग लेआउट्स अवेलेबल हैं. उन लेआउट्स के हिसाब से हम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं. यहाँ पे पहले से कुछ थीम्स अवेलेबल हैं. आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं. इन थीम्स में से जो भी थीम आपको यूज करनी है वो आप हम कर सकते हैं.
तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करनी है। फिर फाइनली हमारे पास यहां पर है सेटिंग्स। सेटिंग्स के ऊपर जो है आपका सारा जितना भी ब्लॉग स्पॉट का डिटेल है वो हम कर सकते हैं। गूगल का एनालिटिकल जो है ये भी मैं आपको बताऊंगा एनालिटिकल क्या है और किस तरह से ये काम करता है, तो ये सारी चीजें भी हम यहां पर देखेंगे। और यहां पे पब्लिश एड्रेस हमारा क्या है वो यहां पे दिख रहा है, अगर चेंज वगैरह करना है तो वो हम कर सकते हैं। HTTPS यानी कि पहले से ही हमें यहां पर SSL सर्टिफिकेशन जो है मिल जाता है, सिक्योर URL मिल जाता है, तो इसलिए हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से जो भी डिटेल्स चाहिए हैं वो सारी के सारी यहां पर हमें एक मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ब्लॉग को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और आई बिलीव मी गाइस, ऐसा प्लेटफॉर्म फ्री के अंदर आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए अगर आप वाकई ब्लॉगिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी इसी से शुरुआत करी थी और अब मेरे पास खुद के पेड जो हैं वो पैनल्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप जो है अगर देखना है तो अभी आपका ब्लॉग कैसे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे करें तो देखें यहाँ पे URL आया है manjeetdigital.blogspot.com और अभी कुछ इस तरह की बाय डिफॉल्ट जो इसके पास थीम आती है वो ये है इस तरह की, लेकिन अभी जो है इसके अंदर कोई भी हमने काम नहीं करा है तो इसलिए यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगले वीडियो में जो है हम वन बाय वन इन स्टेप्स को देखेंगे कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी होती है, पहले क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, ताकि जो हमारा भले ब्लॉगर के ऊपर जो है पूरा ब्लॉग बना हुआ हो लेकिन प्रोफेशनल लुक देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम प्रोफेशनल लुक दे देते हैं तो हमारा जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर के ऊपर होने के बावजूद भी हमारा जो काम है वो काफी अच्छे से लोगों को पसंद आएगा। अगर सिस्टमेटिक चीजें होंगी, इजी टू नेविगेट चीजें होंगी तो लोगों को पसंद भी आएंगी और हमें ट्रैफिक भी जो है वो मिलता रहेगा। आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और आप भी जो है यहां पर इस तरह पे अगर ब्लॉगर से करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाके इस तरह से ब्लॉगिंग को सेट कर लें, अपना एनरोल कर लें इसके अंदर। और कल से जो है हम यहाँ पे थीम्स वगैरह जो है अपलोड करना, कैसे है थीम्स आपको यूज करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, टिल देन स्टे सेफ।